हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ चीजें जो मैंने मंगाया है मीशो से। एक्चुअली मेरी मम्मी ने मंगवाया है अपने किचन के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अगर आप लोगों को भी चाहिए हुआ तो आप मंगा सकते हो। सारे जो प्रोडक्ट है एकदम बजट फ्रेंडली है, इससे आप अपने किचन को न्यू लुक दे सकते हो। तो चले फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। रियो यहाँ पे रील्स बनवा रही है, इसके मासेस का रील्स बना रही है। एंड बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इसको बैठाने में, क्योंकि बार बार उठ जाती है, मतलब इसके मन में जो आता है वो वही करती है। सो गाइस, मैंने ये सारी चीज़ें मंगाए हैं एंड इसका बॉक्स यह मतलब एक्चुअली पहले ही आ गया था, तो इसलिए मम्मी ने इसका बॉक्स बाहर फेंक दिया। और यह वाली जो है मम्मी को कुछ खास पसंद नहीं है, बिकॉज इसका जो ग्लास है थोड़ा छोटा है। बोला कि अब आ गया है तो आप रख लीजिए, तो मैं इसको अच्छे से ओपन करके दिखाती हूँ। एंड इसके साथ एक स्पून भी आया है जिसकी क्वालिटी मतलब ठीक ठाक है, जिसकी क्वालिटी ठीक ठाक है। एंड देखो गाइस, इसके अंदर बस इतना छोटा ही जार है। इसका जो ढक्कन है वो काफी अच्छा है, मतलब एकदम लूज भी नहीं है और टाइट भी नहीं है। तो इसमें ऐसे स्पून को रख के ऐसे कर सकते हो, तो काफी क्यूट सा है, बट थोड़ा बड़ा रहता तो और ज्यादा अच्छा लगता है। एंड देखते हैं इसमें क्या रखते हैं। एंड इसके साथ जो है दो छोटे छोटे और हमें जार मिल जाते हैं, जैसे नमक या फिर जो होता है पेपर पाउडर वगैरह रखने के लिए, तो वो भी काफी क्यूट सा है। एंड इससे आपके किचन की जो खूबसूरती एकदम बढ़ने वाली है। एंड इसका जो मटेरियल है वह प्लास्टिक का है, अच्छा वाला प्लास्टिक है, तो जल्दी टूटेगा नहीं, डोंट वरी, अच्छा है। तो काफी सुंदर सा क्यूट सा है। इसके बाद मैंने एक तो मंगाया है, वह है इस टाइप का, इसमें आयल रखने का जो कंटेनर होता है वह है, काफी क्यूट सा है, बट यह कांच का है तो इसको थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा, यह टूट न जाए। तो दो है इसमें, यहाँ से ऐसे आराम से ओपन हो जाएगा एंड आप जो भी वायल डालना हो डालो एंड फिर इसको क्लोज कर दो। तो काफी सुंदर सा है। एंड इसका प्राइस था 289, मतलब एक्चुअली मुझे इसका प्राइस ऐसा पता नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी, आप लोग देख लेना। इसमें हमने दो मिलता है, तो एक में आप रिफाइंड रख लो, एक में आप सरसों तेल रख लो, मतलब खाने में जो सब्जी बनता है वो वाला। काफी अच्छा है, इन सबसे ना आपकी जो किचन की खूबसूरती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली है। इसके बाद जो है तो यह है कप होल्डर कप रखने का, जिससे है आपके किचन की स्पेस बहुत सारी बचने वाली है। इसमें कितनी वन टू अरे एक का तो यह निकला हुआ है, इसमें है क्या? हाँ, इसमें एक का निकला हुआ था, इसको लगा के तो देखो गाइस काफी सुंदर सा है। तो इस कप होल्डर से जो है आपकी किचन की मतलब ढेर सारी जो स्पेस है वो बनने वाली है एंड कप भी जल्दी नहीं टूटेगा। तो देखते हो मैं अपने किचन में कहाँ रखूंगी। इसमें आप 1, 2, 6 टोटल आप 12 कप इसमें आप होल्ड कर सकते हो। सारी चीजें जो है एकदम यूजफुल है, तो आप देखो इसमें है, खुल नहीं रहा था। काफी क्यूट सा कंटेनर है जिसमें आप 4 तरीके का दाल वगैरह जो भी रख सकते हो एक ही डब्बा में, जिससे आपका किचन का जो स्पेस काफी बचेगा। जरा खुलता है क्या, इसमें रख सकते हैं। सो गाइस, यही इसका है, इतना स्पेस है। तो मम्मी से मैं पूछती हूँ कि कैसा है, मम्मी कैसा है? अच्छा है, चलिए मम्मी को पसंद आया फाइनली। उनको मैं बताती हूँ, उनको यह वाला नहीं पसंद आया, तो उन्होंने बोला कि आप कांच का रख सकते हैं एंड फिर मैंने बोला कि रख लीजिए, अच्छा है। तो इसमें देखिए अच्छा खासे उन्होंने स्पेस है बहुत। एंड इतना तो मैंने मीशो से मंगाया है एंड एक मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। एंड यह मीशो पे भी अवेलेबल है, बट मुझे इसका 4 चाहिए था एंड मीशो पे भी 2 ही है। फ्लिपकार्ट से मंगाया है एंड इसकी प्राइस है 389। इसके जो 4 बॉक्सेस है जिसमें देखती हूँ मैं क्या रखती हूँ।
तो इसके लिए आपको कुछ कील वगैरह की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे देखिए सिंपल सा चिपकाने वाला दिया हुआ है एंड आप इसको चिपका के हैंग कर सकते हो। एंड मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में देखा था कि लिखा हुआ था कि यह 10 kg का जो वेट है वो आराम से सह लेगा। तो देखते हैं जब मैं यूज करूंगी तो ऑफकोर्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यह भी काफी अच्छा लगा मुझे, इसका भी स्पेस यूनो अच्छा है, एकदम कम नहीं है। देखिए तो गाइस अभी रुको अभी जाओ मत, अभी तो मेरा दिन यूनो शुरू हुआ है। तो आज देखते हैं मैं क्या क्या करते हुए, बने रहिए मेरे साथ। सो यहाँ पे दोनों मासी भांजी कर रहे हैं लंच। टेस्टी है पुचू, खाने दे में देखिए है चावल दाल पापड़ दही पकौड़ा करेला। करेला खाती हो तुम? अच्छा लगता है करेला? पुचू खाती है। पुचू की मासी नहीं। सो ये लोग अपना खाना एंजॉय करते हैं, मैं भी जाती हूँ अपना खाना एंजॉय करने। रुको बेटा देखो तो मम्मा नेल पॉलिश कर रही है। लाओ बेटा आपको भी चाहिए। ठीक बोलो ना, जाओ मौसी पर जाओ, देखो मौसी बुला रहे, बोलो ना। अच्छा सुन ना बेटा, जाओ जाओ मौसी पर जाओ। सो गाइस अभी हो गए इवनिंग एंड हम सब आए छत पे, थोड़ा से ठंडी ठंडी हवा का एंजॉय कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। एकदम ठंडा ठंडा मौसम है पूरा, कुछ कपड़े पसारे हुए हैं तो इनको भी मैं उतार लूँगी। एंड दिन में ही पसारे गए हुए थे तो सूख गए हुए हैं। एंड वहाँ पे देखिए वे लोग तरबूज खा रही है, रियो भी साथ साथ में खा रही है। बोलो हाय, बोलो सब लोग को हाय। तो मैं नेल पॉलिश कर रही थी नीचे एंड रियो नेल पॉलिश से हल्का से लेके यहाँ पे लगा ली है एंड उसको हटाने नहीं दे रही है। तो आप लोग देखोगे तो ऐसा लगेगा कि सो यहाँ पे कैसे लगा ली हुई, दिखा दो बिट्टू कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, दिखा दिखा फिर दिखा। इसको साफ ही नहीं करने दे रही, जब भी मैं ऐसे हल्का से फिंगर डाल रही हूँ वहाँ से भाग जा रही है। जा रियो जा, पकड़ो ऐसे भाग रही है, कितना फास्ट भाग रही है। हैंड छोड़ दो मम्मा को, मम्मा का हैंड छोड़ दो एक सेकंड थोड़ा। सो गाइस एक हाथ मेरा रियो के पास, इसलिए मैं कुछ मतलब हाथ वाथ नहीं दिखा सकती। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो पूरा अंधेरा हो गया हुआ है थोड़ा सा एंड हम लोगों ने पकड़ पकड़ा ही ना खेला थोड़ा बहुत रियो के लिए, क्योंकि इसको काफ़ी मज़ा आता है। अब हम सब जा रहे हैं नीचे एंड बहुत ज़्यादा प्यास भी लगी हुई है, पानी वानी पियेंगे। चलो रियो नीचे चलना है, नीचे जाना है, नीचे चलना है। रियो को देखिए अपना पिक लेके कितना ज्यादा हैप्पी हो रही है। तो हम सब जा रहे हैं डिनर करने, तो मैं एंड मेरी सिस्टर एक ही साथ हम लोग खाने वाले हैं। एंड मेरी सिस्टर का बहुत ज़्यादा मन था कि आज पालक कचौरी बने, तो आज मम्मी ने बनाया है पनीर की सब्जी, आलू पालक का सब्जी एंड सेवई, और चटनी है धनिया का एंड आम का। आम का चटनी मेरा फेवरेट है, कभी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। एंड यह रहा पालक कचौरी। तो गाइस हम जा रहे हैं अब यम्मी 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 डिनर करने एंड आप भी जल्दी जल्दी डिनर कर लो। सो गाइज हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है एंड अब है सोने का टाइम एंड देखते हैं रियो कब सोने देती है, क्योंकि वो इवनिंग में जब ऊपर से आई है छत पर से तो थोड़ा सा सो गई थी।
तो ऐसा लग रहा है कि यह अभी और ज्यादा लेट से सोने वाली है। सो गाइस यह था मेरे आज का वीडियो, आशा करती हूँ कि पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड चलो टाटा बोल दो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा टाटा बाय बाय टाटा।